वैटिकन ने डिनाई किया कि सेंट निकलस वॉज एवर अ प्रीस्ट मतलब कोई वो कहते हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री में सेंट निकलस के नाम से कोई प्रीस्ट नहीं था दो दफा वैटिकन डिनाई कर चुका है लेकिन बहरहाल जो मिथ में या लेजेंड में इसको माना जाता है स्पेशली जर्मनी uh, में या ऑस्ट्रिया में याडनेवियन कंट्रीज में दे सें वॉज अट हुट हु ऑल्दो दे पेंट सेंट निकलस एज अ वेरी होली मैन

और उसके हाथ में एक झाड़ी है जिसको बेसिकली स्विच कहते हैं इट्स ब्रांच जिससे लोगों को मारा पीटा जाता है और ये एक तरह से चेन के साथ निकलस के साथ आता है जहां वो जा रहे हैं यहां ये जा रहा है तो दिस इज क्रैम्पस अब ये क्रैम्पस जो है इसके बारे में ये बिलीव किया जाता था कि अगर तो बच्चे जो हैं वो अच्छे थे तो सेंट निकलस उनको गिफ्ट देंगे और अगर बच्चे जो है वो मिसबिहेव करते रहे तो साल के एंड में क्रैम्पस आके उनको मारेगा और उनको पीटेगा और ये देखिए आपको एक इमेजरी नजर आ रही है कि क्रैम्पस जो है बेसिकली जो आधा इंसान है आधा शैतान है आधा बकरी की तरह बना हुआ ये. अगर आपने शैतान की जो जो, जो इमेजरी देखी हो दिन और द लूसिफर वर्शिप बेसिकली लुक्स लाइक दिस लाइक अ हाफ मैन हाफ गोट टाइप ऑफ कैरेक्टर सो ये क्रैम्पस जो है ये मैं आपको बताऊं आज भी आज भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आज भी जर्मनी ऑस्ट्रिया वगैरह में जब क्रिसमस सेलिब्रेशन होती हैं तो आपको सेंटा क्लॉज के साथ साथ यानी सेंट निकलस के साथ साथ ये क्रैम्पस भी नजर आएगा और ये बेसिकली अमेरिका में तो ये पॉपुलराइज होकर वो एल्व की शक्ल इख्तियार कर गया लेकिन बहरहाल बाकी कंट्रीज में अभी तक क्रैम्पस का जिक्र और तस्करा जो है वो फुल जोरों शोर से चल रहा है सो so, ये जो कैरेक्टर्स हैं दो सेंट निकलस एंड क्रैम्पस इन दोनों को मर्ज करके एक कैरेक्टर सामने आया जिसको हम सांता क्लॉस कहते हैं सेंट निकोलस और क्रैम्पस को जब आप मर्ज करते हैं तो फिर सांता क्लॉस बनता है और उसके लिए वो एक फेमस राइम भी है कि वो ही नोस व्हाट यू हैव बीन अप टू ही नोस इफ यू आर बैड और गुड सो बी गुड फॉर गुडनेस सेक वो इस तरह का कोई एक राइम बनाया हुआ उन्होंने कि सांता क्लॉस जो है वो जानता है यानी कि सांता क्लॉस नाऊज बिलला सुभान अल्लाह वो कोई कोई खुदा की तरह की चीज उन्होंने बनाई हुई है कि जैसे वो सब कुछ जानता है उसको सब पता है कि तुम अच्छे थे या बुरे थे और वो आके जो है ना तुम्हें गिफ्ट देगा और तुम्हारी चिमनी के थ्रू घुसाएगा और सारा कुछ होगा सो ये कैरेक्टर जो है बेसिकली जो क्रैम्पस और सेंट निकलस को मर्ज करके सेंटा क्लॉस का कैरेक्टर जो है वो सामने आया जिसका ताल्लुक क्रिश्चन वर्ल्ड से बाए हुए नहीं है इसका ताल्लुक जो है वो टोटली पेगन ट्रेडिशन से है जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि यूल से शुरू हुआ फेस्टिवल ऑफ़ से के ऊपर बात पहुंची फिर उसमें बीच में तड़का थोड़ा सा उनका जो गॉड सारी मर्ज करके हमारे सामने इस शक्ल में आज पहुंच चुकी है इट इज इन फैक्ट सेटन नॉट सेंटा के सेटन के वर्ड्स को चेंज करके सेंटा बनाया गया एज द कैरेक्टर इज मोर फेमस देन सलाम ऑन क्रिसमस कि क्रिसमस में आज कितने लोग हैं जो ईसा सलाम को याद करते हैं और क्रिसमस के दिन कितने लोग ऐसे हैं जो सेंटा क्लॉस को याद करते हैं या सेंट निकलस और क्रैम्पस के मर्जर को याद करते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो सेंटा क्लॉस की टोपियां बांटी जाती हैं और ये आज की जो टॉक मैं आपसे कर रहा हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में बाजारों में मार्केट्स में दुकानों में बेकरियों में होटल्स में रेस्टोरेंट्स में क्रिसमस ट्री ला के रख दिए लाइटें लगा दी सेंटा क्लॉज की तरह कोई बाबा वहां बिठा दिया वहां पे और आपको पता ही नहीं आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात आप देखें कि यू आर लाइंग टू योर किड्स ये ये जो जब करॉज की पूरी कहानी सुनाई जाती है तो यू आर लाइंग टू योर किड्स एंड टेलिंग देम के आपको हर क्रिसमस में वो जो हमने एक क्रिसमस ट्री ला रखा हुआ है जो कि वो नॉर्थ पीपल की तरफ से आ रहा है वो जो फर्ड ट्री ला रखते हैं बिकॉज आप खुद सोचो क्यालु आपने आपको पता है फर्ट्रीज तो वहां मिलते हैं जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं इनका क्या तल्लक वास्ता ईसा के साथ जो आप घर में क्रिसमस ट्री लेके आते हो सो so, यह बच्चों के साथ झूठ बोला जाता है पहले तो क्रिसमस ट्री लेके आते हैं जो कि एक टाइप ऑफ तावीज है एक टाइप ऑफ एम्य

नबी करीम सल्ला वसल्म की हदीस से आपने फरमाया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई मुसलमान जो है वो दरपोक हो सकता है आपने फरमाया कि मतलब आइडियल तो नहीं है लेकिन हो सकता है क्या मुसलमान कंजूस हो सकता है अगेन आइडियल तो नहीं है कि मुसलमान कंजूस हो लेकिन बहरहाल हो सकता है कि मुसलमान भी हो और कंजूस हो फिर पूछे क्या क्या मुसलमान झूठा हो सकता है आपने फरमाया नहीं मुसलमान झूठा नहीं हो सकता जो खुद दीने हक पे है वह झूठा कैसे होगा और फिर वो हदीस हमारे सामने आती है जहां पे एक सहाबिया थी उन्होंने ऐसे हाथ बंद किया हुआ था और अपने बच्चे को अपने पास बुलाड़ती के तरह और मेरे पास मैं तुम्हें कुछ चीज देती हूँ तो नबी करीम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो आपने फरमाया कि जी है मेरे हाथ में खजूर है तो आपने कहा कि अल्हमदिल्ला अच्छी बात है क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में खजूर ना होता तो तुम झूठों में लिखी जाती बच्चों से इतना झूठ बोलना भी जायज नहीं है अक्षरों का बच्चे होते हैं ना कि यानी बच्चा कहीं घूम फिर रहा है तो माँ बाप कहते रहो मैं तुम्हें तो एक चीज देता हूँ बड़ी स्पेशल चीज है हालांकि होता कुछ भी नहीं है सिर्फ उनकी इंटेंशन ये होती है कि बच्चा मेरे पास आए मैं उसको लाड प्यार करूं लेकिन वो उससे झूठ बोलते हैं तो ये भी मना किया गया कि बच्चों से इस तरह झूठ नहीं बोलना बिकॉज बच्चों का ट्रस्ट फिर आपसे उठ जाता है कि ये हर दफा ना मेरे साथ फ्रॉड करते हैं तो इसलिए हमारा दीन तो बिल्कुल सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए अब आप अगर देखें कि क्रिसमस की आज सूरत हाल क्या है तो क्रिसमस अब एक रिलीजियस uh, फेस्टिवल से ज्यादा एक कमर्शियल फेस्टिवल बन चुका है जहां पे इट्स ऑल अबाउट बाइंग थिंग्स इट्स ऑल अबाउट कंस्यूमरिज्म चीजें खरीदो चीजें खरीदो आपको पता है कि लोग अमेरिका में और यूरोप में छह महीने डेट में चले जाते हैं क्रिसमस शॉपिंग के बाद यानी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो क्रिसमस के लिए लगा देते हैं बाइंग लाइट्स एंड डेकोरेशन एंड थिंग्स लाइक दैट फजूल एक्स्ट्राविगेंस वेस्ट ऑफ थिंग्स वो क्रिसमस ट्री लेके आएंगे उसको काटेंगे उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स लगाएंगे फलां करेंगे ये करेंगे लाइटें लगाएंगे घरों में चिरागा होगा यानी छह महीने डेट में चले जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते एंड दिस इज ऑपोजिट टू द वे ऑफ ईसा ईसाई सलाम का जो वे था उससे बिल्कुल ऑपोजिट तरीका ये हाफ ट्रिलियन डॉलर सिर्फ यूएस में खर्च होते हैं हर साल क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर हाफ अ ट्रिलियन डॉलर दैट्स लाइक 500 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूं अभी मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा सिर्फ यूएस के अंदर हाफ 2 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च होता है एंड टू टॉप इट ऑफ 30 टू 35 मिलियन ट्रीज आर कट डाउन ऑन क्रिसमस जस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स यानी 35 मिलियन दरख्त आपने काट दिया सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन के लिए और आपको पता है एक ट्री को ग्रो करने में 15 साल लगते हैं एक क्रिसमस ट्री जिसको आप कहते हैं फर्ट ट्री उसको 15 साल लगते हैं ग्रो करने में